दोस्तों झारखंड के हर एक विलेज में एक क्लब का गठन किया जा रहा है जिसका नाम सिधो कान्हू युवा खेल क्लब का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से उस गांव में खेलकूद, नृत्य कला, वाद्य कला और कौशल विकास और महिलाओं के हित के लिए काफी कार्यक्रम किए जाएंगे। इस रिलेटेड कई प्रकार का प्रतियोगिता किया जाएगा, खेलकूद प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से हटाने के लिए जैसे कि डायन प्रथा, शराबखोरी, दहेज प्रथा और समाज के लिए कुरीतियां जितने भी हैं उन सभी चीजों को हटाने का काम इसी क्लब के माध्यम से किया जाएगा। क्लब के माध्यम से बहुत सारा सरकारी काम भी किया जाएगा जैसे कि गर्भवती महिलाओं को उनको जो भी अधिकार दिया जाता है उनसे रिलेटेड कई प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार का कार्यक्रम इसी क्लब के माध्यम से किया जाएगा और खेलकूद के साथ साथ सरकारी योजना और युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने का काम इसी क्लब से किया जाएगा। सरकार की ओर से इस क्लब को चलाने के लिए जो भी सामाजिक कार्य है, जो भी प्रतियोगिता है, सभी को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष 25,000 रुपये हर एक क्लब को सरकार की ओर से मिलेंगे और क्लब के नाम से एक खाता खुलेंगे जिसमें ये राशि मिलेंगे और हर एक गांव को डेवलप करने का काम इसी क्लब के माध्यम से किया जाएगा। तो इस क्लब के माध्यम से क्या क्या कार्य किया जाएगा, कैसे इसका संचालन किया जाएगा, कैसे इसका सदस्यों का चयन किया जाएगा और इस क्लब में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस क्लब में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसके बारे में पता कीजिए। हर एक गांव में ये क्लब ओपन होने जा रही है या फिर काफी गांव में ये क्लब अभी तक खुल चुकी है, तो अभी तक यदि आप इस क्लब में पार्टिसिपेट नहीं किए तो इसके बारे में विस्तार से पहले इस वीडियो के माध्यम से जानिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इस क्लब का गठन कैसे किया जाना है, कैसे इसका संचालन किया जाना है। डिटेल से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस क्लब से आपको क्या लाभ मिल सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक पीडीएफ यहां पे दिख रहा होगा, इस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग डिटेल से समझेंगे। ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ में टोटल 14 पन्ना है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 14 पेज का ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ समन्वय दुमका के द्वारा जारी किया गया है और ये दुमका के द्वारा जारी ही नहीं किया गया दोस्तों, झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये पीडीएफ जारी किया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये आदेश जारी किया गया, हर एक गांव में क्लब को खोलने के लिए आदेश जारी किया है। प्रत्येक पंचायत के मुखिया, वार्ड पंचायत सचिव और गांव के प्रधान, ये सभी के माध्यम से क्लब का गठन किया जाना है। इसका कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। यदि आपके गांव में क्लब का गठन किया जा चुका है तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि अभी तक क्लब का गठन आपके गाँव में नहीं हुआ है तो फिर भी ये चीजें आप जान सकते हैं और समझ के इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको देख सकते हैं, ये है क्या, विस्तार से हम लोग समझते हैं इसी पीडीएफ के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इस पीडीएफ में हम लोग सिधो कान्हू युवा खेल क्लब के नाम से एक क्लब का गठन किया जाएगा जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल, यानी 18 से 40 साल के बीच के जो भी युवा हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक विलेज में सिधो कान्हू युवा खेल क्लब का गठन किया जाना है जिसमें कम से कम 10 मेंबर का सिलेक्शन किया जाना है। उसमें से 3 पदाधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष, दूसरा सचिव और तीसरा कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष और सचिव के नाम से अकाउंट खुलेगा, उसी में प्रत्येक साल 25,000 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि विधायक या फिर आपके क्षेत्र का उपायुक्त का यदि अनुमोदन होता है तो उसमें प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये भी दिया जाएगा। तो दोस्तों विस्तार से इसको समझते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और क्या चीजें निर्धारित की गई है। इसका जो सिलेक्शन करने के बाद जो इसका रजिस्ट्रेशन होगा, ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत होगा और इसमें पार्टिसिपेट केवल वही लोग कर सकते हैं जो की किसी भी प्रकार का क्रिमिनल नहीं हो या फिर कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है। इसमें बेरोजगारों को, शिक्षित को प्राथमिकता दिया जाएगा, विकलांग यदि है तो उनको भी प्राथमिकता दिया जाएगा और युवाओं को तो प्राथमिकता दिया ही जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, इसमें कार्य किया जाएगा। सबसे पहले इसमें 10 सदस्यों का चयन किया जाएगा, एक ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा के माध्यम से 10 सदस्यों का चयन किया जाएगा। उनमें से 3 सदस्य पदाधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। अध्यक्ष और सचिव के नाम के अकाउंट खोला जाएगा किसी भी बैंक में और इनको काम कैसे करना है ये डिटेल से इसी पीडीएफ में बताया गया है, सारा चीजें इस पीडीएफ में बताया हुआ है। यदि इसको मैं डिटेल से एक ही वीडियो में कवर करूं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं। विशेष जानकारी के लिए मैं इस पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेज दिया है, वहां पे आप जैसे बहुत सारे भाई लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे मैंने इस पीडीएफ को भेज दिया है, तो इसको जाके स्टडी कर सकते हैं। ये टोटल 14 पेज का पीडीएफ है, ये केवल दुमका के लिए नहीं है दोस्तों, झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है। जो भी नियम इसमें बताया गया है इसी नियम से झारखंड के हर एक विलेज में क्लब का गठन किया जाना है। तो दोस्तों आप डिटेल्स इसमें समझते हैं कि इसका क्या कार्य होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 4 में दिया हुआ है कि इसका कार्य होगा खेलकूद कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, साहित्य कला विकास, कौशल विकास और अन्य लोक कल्याणकारी गतिविधियों का, ये सभी कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करेंगे और इन योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डिटेल से बताया गया कि खेलकूद कार्यक्रम होगा जिसमें प्रतियोगिता भी होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम। सामाजिक कार्यक्रम का मतलब
समाज के अंतर्गत जो भी कुरीतियां हैं, जैसे कि डायन प्रथा, दहेज प्रथा, शराबखोरी, नशाखोरी या फिर अन्य जो भी डायन प्रथा वगैरह जो भी चीजें कुरीतियां हैं समाज के अंदर, उनको हटाने का प्रयास, उनको समाज के बीच से जड़ से उखाड़ने का प्रयास करेंगे इसी कलम के माध्यम से। साथ ही यहां पे देख सकते हैं साथी कला, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भी इसी कलम के माध्यम से किया जाएगा। हर एक योजना को ग्रामीणों तक पहुंचाने का भी काम इसी कलम के माध्यम से किया जाएगा। कौशल विकास से भी जोड़ा जाएगा इसी कलम के माध्यम से। और अन्य जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकारी, हर एक योजनाओं में पार्टिसिपेट करना, किनको कैसे योजनाओं का लाभ दिलाना है, ये सभी कार्य इसी क्लब के माध्यम से कराया जाएगा। तो दोस्तों इतना ही नहीं, इस क्लब के माध्यम से जो भी कार्य किया जाएगा उसका लेखा पंजी भी होगा। जो भी कार्य इस क्लब के माध्यम से किया जाएगा सभी कार्यों का एक संपूर्ण जवाबदेही भी इस क्लब का होगा। सभी का एक ऑडिट भी होगा, साल में एक बार लेखापाल के माध्यम से इसका ऑडिट भी कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 6 में आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खेलकूद से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम किया जाएगा, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ये सभी कार्यक्रम किया जाएगा। और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें चरणबद्ध तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए प्रतियोगिता वगैरह सारा चीजों का आयोजन किया जाएगा, जिसका फंडिंग भी सरकार करेगी। अब दोस्तों अब इसमें हम लोग मुख्य पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पेज नंबर 13 में आ चुके हैं। यहाँ पे इसमें देख सकते हैं पेज नंबर 13 के 1 नंबर पॉइंट में मेंशन की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिवर्ष अधिकतम 25,000 रुपए तक की अनुदान राशि इस क्लब के माध्यम से दिया जाएगा। सरकार इसमें प्रत्येक वर्ष 25,000 रुपए की राशि देगी ये सभी कार्यक्रम को करने के लिए। ये सभी कार्यक्रम में जो खर्च होंगे वो सभी खर्च सरकार देगी। और अधिकतम यहाँ पे 5,00,000 रुपए का भी अनुदान दिया जाएगा। बिरसा पुस्तकालय का भी इसमें निर्माण किया जाएगा और ये सभी तभी होंगे जब माननीय विधायक, सांसद या फिर वहां के उपायुक्त का अनुशंसा यदि वहां पे मिलते हैं तो 5,00,000 रुपए का अनुदान राशि भी तभी मिलेगा। दोस्तों यहां पे डिटेल से देख सकते हैं कि इसमें जो बैंकिंग का जो व्यवस्था होगा, यानी कि अध्यक्ष और सचिव के नाम से जो अकाउंट खोला जाएगा, दोनों के माध्यम से संयुक्त खाता होगा और संयुक्त खाता से लेन देन किया जाएगा। और जो भी क्लब की कार्यवाही होगी, जो भी चीजों में खर्चे होंगे, उन सभी खर्चों को ये 25,000 रुपए की जो राशि मिलेगी उसके माध्यम से यहाँ पे खर्चे किए जाएंगे। तो दोस्तों ये केवल इतना ही नहीं, ये जैसे इसमें बताया गया है ये एक बड़ी योजना हो सकता है। यदि ये तरीके से चलाया गया तो ये एक बड़ी स्कीम हो सकता है, लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी योजना हो सकता है यदि इसका संचालन तरीके से किया जाए। क्योंकि यदि क्लब में, यदि ग्रामीण में ही यदि इतने सारे युवाओं, हर एक लोगों को सरकारी योजना के बारे में डिटेल से बताएंगे, सरकारी योजना को लेकर कार्यक्रम कराएंगे या फिर इतने सारे प्रोग्राम कराएंगे तो लोग जागरूक जरूर होंगे। और लोग यदि जागरूक होते हैं तो वो एक्टिव होंगे और हर एक सरकारी योजना का लाभ भी ले सकेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लब का गठन कैसे करना है। इसके लिए गठन का यहाँ पे एक 4 पेज का PDF दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम सभा कार्यवाही प्रतिवेदन एक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें दिनांक लिखेंगे, पत्रांक वगैरह सारा चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। दुमका का यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पे दिनांक पत्रांक होगा, ये केवल दुमका के लिए वैलिड है। दोस्तों यदि आप दुमका के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहां पे और अलग दिनांक पत्रक हो सकता है, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट से वहां का कोई और लेटर हो सकता है, जिसके लिए आपको पंचायत सचिव से संपर्क करना होगा। उनके पास ये लेटर आ चुका होगा, उनके पास ये ग्राम सभा कार्यवाही के लिए ये 4 पेज या फिर जो भी पेज का डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ग्राम सभा का यहाँ पे डिटेल से बताया गया है, जैसे मैं यहाँ पे डिटेल से बता दूंगा वैसे आप ग्राम सभा को कह सकते हैं। जैसे कि ग्रामीणों का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य या फिर मुखिया का हस्ताक्षर होगा, इनके ही ये सभी के उपस्थिति में क्लब के सदस्यों का चयन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके माध्यम से सर्वसम्मति से ग्राम का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, उपाध्यक्ष और सचिव का यहाँ पे चयन किया जाएगा और बाकी सदस्यों का जो भी चयन किया जाएगा उनका यहाँ पे नाम प्रस्ताव के रूप में लिखेंगे और साथ में यहाँ पे सचिव का, मुखिया और ग्राम सभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर कराया जाएगा। और उसके बाद कार्यकारिणी जो सदस्य होंगे वो सदस्य का यहाँ पे डिटेल, जैसे कि नाम, पिता का नाम, लिंग, ग्राम और मोबाइल नंबर और साथ में उम्र, ये सारा चीज यहाँ पे भरेंगे, सभी का हस्ताक्षर कराएंगे। ये डिटेल जैसे कंप्लीट करेंगे ये पेपर को, आप आधार कार्ड और एक फोटो के साथ में अपने पंचायत सचिव को जमा करेंगे और उसके बाद ये ब्लॉक कार्यालय में जमा होगा और वहां से फिर अकाउंट को ओपन कराने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसके आगे जो है अकाउंट को ओपनिंग कराया जाएगा, उसके बाद इसमें फंडिंग होगी, उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस कराया जाएगा, फंडिंग भी होगा और बाकी चीजें यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे करने के लिए कहा जाएगा इसी क्लब के माध्यम से कराया जाएगा। तो आई होप ये क्लब हर एक जनता के लिए, झारखंड के हर एक जनता के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं इस क्लब के बारे में शॉर्ट में मैंने सभी चीजें बताने का प्रयास किया और मैंने डिटेल से बता नहीं सका क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो सकती थी। यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इस क्लब के बारे में, यानी कि सीधो कानू युवा क्लब के बारे में मैं डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। और यदि कोई और पॉइंट के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे जरूर कॉमेंट कीजिए, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो वो भी कॉमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन
दिन शुभ हो।